बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जो है वो सऊदी न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रियाद बैंक से अल राजी बैंक वगैरह में पैसा जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बेनिफिशरी बनाने का तरीका बताएंगे और उसके बाद जो है वो अमाउंट किस तरीके से आपने सेंड करनी है वो तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से अपने मोबाइल पर जो है वो रियाद ऑनलाइन जो है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके मेरा शायद ये यूज़र नेम पासवर्ड मैं अगेन जो है वो चेक कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे जो है वो इंटर करना है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से यूज़र नेम पासवर्ड, और उसके बाद जो है वो क्लिक कर देना है। तो अब ये देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर जो है वो एक 4 हिंसे का OTP रिसीव होगा, वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से जो है वो बेनिफिशरी बना के अमाउंट जो है वो सेंड कर सकते हैं किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई को, अपने रूम में बैठ के अपने मोबाइल से। तो यहाँ पे हमारा जो है ये रियाद बैंक का अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमें जो है वो यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे सामने नज़र आ रही हैं। अकाउंट एंड कार्ड की है, सद्दाद है, ट्रांसफ़र है, इन्वेस्टमेंट, अप्लाई फॉर प्रोडक्ट, अदर सर्विसेज। हमने जो है वो ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफ़र में जाना है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ट्रांसफ़र के बाद हम यहाँ पे सिंगल ट्रांसफ़र हमारे सामने शो हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ऑन अकाउंट है, विद इन रियाद बैंक है और लोकल बैंक। हमें जो है वो लोकल बैंक की ऑप्शन चाहिए क्योंकि ये लोकल बैंक सऊदी अरब में है ये बैंक, तो इसलिए ये लोकल बैंक में आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 3 बेनिफिशरीज जो है वो पहले बनी हुई हैं, अभी मैंने जो है यहाँ पर 4थी बेनिफिशरी जो है वो यहाँ पर क्रिएट करनी है। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं क्रिएट न्यू बेनिफिशियरी के ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है। अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आई वांट टू क्रिएट लोकल बैंक जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट है, क्योंकि पिछली ऑप्शन में हमने यहाँ पे जो है वो लोकल बैंक जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ पर बेनिफिशरी का जो नाम है वो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, और नीचे जो है वो आई बैन नंबर जो है वो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, उसको मैं जो है वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने भी अपने तरीके से जो है वो कर देना है। यहाँ पे मैंने आईबीएन नंबर जो है वो इंटर किया और ऑटोमेटिक जो है ये अल राजी बैंक नीचे जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो शो हो गया है प्यारे दोस्तों। अब इनका जो नाम है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका नाम क्या है। जी मैं उनका बेनिफिशरी का जो नाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, ये आपके पास शो होगा, आप किसी भी कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है वो रिलेशन पूछ रहा है कि आपका भाई रिलेशन क्या है इनसे। मैं यहाँ पे इनका रिलेशन जो है वो अदर में आके फ्रेंड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद जो करेंसी है वो सऊदी है, और प्रेफर्ड नेम में भी जो है वो ये बकर मोहम्मद बकर जो है वो मैंने उनका नाम लिखा। इसको कुछ भी लिख लें यहाँ पर, ये आपके पास जस्ट जो है वो शो होगा कि आपके पास ये बेनिफिशरी में इसका नाम जो है वो किसी नाम से शो हो। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद क्रिएट बेनिफिशरी करेंगे तो हमारे मोबाइल पर जो है वो एक कॉल रिसीव होगी रियाद बैंक की तरफ से, उसको जो है वो हमने फिर बेनिफिशरी जो है वो एक्टिवेट करनी है। जैसे ही मुझे कॉल रिसीव होती है मैं आप लोगों को जो है वो सुनवा देता हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है कि 4 हिंसे आपके जो ATM का पासवर्ड होता है वो आप लोगों ने, यहाँ पर मुझे कॉल जो है वो रिसीव हो चुकी है, तो ये कॉल आप लोग जो है वो सुन सकते हैं। From Riyad Bank, you have added a beneficiary of Al Rajhi Banking Corporation ending with 0 2 0 0 3 7. To complete the activation process, please enter your Riyad PIN followed by the hash. The beneficiary has been activated successfully. Thank you. तो इस तरीके से आप लोगों के पास एक कॉल आएगी। आप लोगों ने करना क्या है कि वो आपको, आप जो बेनिफिशरी बना रहे हो उसके लास्ट जो है 5 या 6 डिजिट आपको बताएगी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने अपने रियाद बैंक का जो ATM है 4 इंच का वो लगा के और हैश का बटन आप लोगों ने जो है वो क्लिक कर देना है। अब ये बेनिफिशरी जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट जो है वो हो चुकी है। अब हम ट्रांसफ़र में दोबारा जाएंगे। अब हमने इसमें जो है वो पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका आप लोगों को बताना है, ठीक है जी। वही ट्रांसफ़र में जाएंगे, सिंगल ट्रांसफ़र है और उसके बाद जो है वो लोकल बैंक है। लोकल बैंक के बाद अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम ये बेनिफिशियरी जो है वो मैंने अभी नई बनाई है वो हमारे पास शो हो चुकी है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
वो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, द ट्रांसफर विल बी प्रोसीड ऑन संडे, ठीक है, वो डेट लिखी हुई है, ठीक है, उसको रहने देते हैं। अब हमने जितना पैसा यहाँ पे लिखना है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो लिख देंगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्लियर वो आपको बता रहा है द ट्रांसफर विल बी प्रोसीड ऑन संडे 21 to 2021, क्योंकि कल जुमा है, ठीक है जी, कल जुमा है, परसों हफ्ता, तो इसलिए जो है ये पैसा जो है वो कहते हैं जब बैंक ओपन होगा तो फिर जो है ये पैसा प्रोसीड होगा। हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पैसा लिख लिया, पैसा लिखने के बाद अब यहाँ पे पर्पज़ क्या है, ट्रांसफ़र पर्पज़, वो हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। पहले मैंने पर्सनल लिखा और आप बाद में जो है वो यहाँ पे फ्रेंड, आप लोग अपने हिसाब से जो है वो कोई भी लिख सकते हैं जो आपका पर्पज़ हो। आप अपने भाई को पैसा सेंड कर रहे हैं, अंकल को कर रहे हैं, या ये काफ़ी सारे यहाँ पे शो होते हैं, आपने वो वाला जो है वो यहाँ पे लगा देना है। और सिंपल इसके ऊपर नेक्स्ट के बटन पे हम लोग जो है वो क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि भाई आपने इतना पैसा ट्रांसफ़र किया है, ये हमारी ओरिजिनल अमाउंट है, और ये हमारी जो फ़ीस लगेगी वो 5 रियाल और 75 हलाले जो है वो हमारी फ़ीस लगेगी इस ट्रांजैक्शन को सेंड करने के लिए। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन कर लेनी है। वेरिफिकेशन करने के बाद मैं कंफर्म के बटन पे जो है वो क्लिक कर देता हूँ, तो ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। प्यारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैज़ बिन प्रोसीड, ये सारा जो है वो प्रोसीड हो चुका है। आप लोगों ने इस तरीके से इसका जो है वो प्रिंट भी ले सकते हैं, सेव एंड प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको जो है वो सेव कर लिया, और उसके बाद आप इसका बाद में प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मजीद अपडेट जो है वो आपको मिलते रहें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में हमसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।